और इधर ना आया है कि लगता है जिन्ना का जिन आ गया। देश के वो नेता है जो भारत को 2047 की स्थिति में लाना चाहता है। नमस्कार, मैं पिस्कू साहब, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने ओबीसी के पटना आने पर कहा है कि ओबीसी के अंदर जिन्ना का जीन आ गया है। तमाम तरह के आरोप लगाए ओबीसी को लेकर। क्या कुछ कर रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। आया है कि लगता है जिन्ना का जिन आ गया। अपना दिखा रहे, दिखाई ना पड़ेगा, अभी वो आएगा ओबीसी और नजदीक दे दो। देश के वो नेता है जो भारत को 2047 की स्थिति में लाना चाहता है। ओबीसी के अंदर जिन्ना का जिन है। ओबीसी इसके सिवा जो राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान में नहीं उपस्थित हो, जिनका भाई कहे 15 मिनट में भारत को हम साफ कर देंगे हिंदुओं को, वो ओबीसी बिहार में उसका विरोध होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है सर। तो आपने साफ तौर पे सुना ओबीसी को लेकर गिरिराज सिंह कहते जा रहे हैं कि देखिए ये लोग 1947 में ले जाना चाहते हैं देश को, और ओबीसी के अंदर जिन्ना का जीन आ गया है। ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोग हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए और बयान दिए। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खबरों का बने रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।